डीसी बना लो। डीसी बनते के साथ सेकंड स्टेप जो होता है टेस्टिंग का, वो होता है सीधा बाहर की वोल्टेज चेक करना। अब ये वोल्टेज अगर जीरो है तो स्विचिंग का फॉल्ट है, ये वोल्टेज लो है सारी तो ये रेगुलेटर का फॉल्ट है, ठीक है। अगर इन दोनों वोल्टेज में, इसमें दो निकल रही है एक इधर एक इधर, अब इसमें एक सही बन रही है और एक लो हाई है, तो ये आपका सेकेंडरी का फॉल्ट है। यहाँ से तीन सेक्शन के जो फॉल्ट है, रेगुलेट, सेकेंडरी और स्विचिंग, ये तीन सेक्शन के फॉल्ट बाहर वोल्टेज चेक करने से पता लग जाते हैं। और पहले सेक्शन का फॉल्ट खाली डीसी चेक करने में छू ही नहीं रहा इसी जगह, निकाल दो फिर भी, समझ गए। यहाँ वोल्टेज चेक करने से ये वाला सेक्शन क्लियर हो जाता है और बाहर चेक करने से बचे हुए तीन सेक्शन के फॉल्ट क्लियर हो जाते हैं कि इनमें से किस सेक्शन में फॉल्ट है। बहुत सिंपल है, कोई भी बोर्ड उठाना है सीधा यहाँ डीसी वोल्टेज चेक करो अपनी 300 प्लस जो भी 310 5 15 20 जो भी आ रही हो सीधा, उसके बाद बाहर जो डायोड लगे हुए हैं ये इन पर चेक कर लो उनके पॉजिटिव पे, ठीक है। और यहाँ से कंफर्म कर लो कि किस सेक्शन में फॉल्ट है, उसको क्लियर करो। यहाँ चेक करने के बाद सीधा थर्ड स्टेप फिर आपका होता है ये सीपीयू वगैरह की सप्लाई चेक करना, आपको पता है 5 1.2 3.3 1.2 ये वोल्टेज चेक करना और जो मिस है उसको बनाना, बस सिंपल।